साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामना को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको राहु को प्रसन्न करने के लिए, अपने राहु को आप बैलेंस कैसे कर सकते हैं, इसकी खास रेमेडी आपको दे रहा हूं। दोस्तों देखिए, मेरे पास में जितने भी कॉल्स आते हैं ना, सबकी बर्थ चार्ट में 95% लोगों की प्रॉब्लम जो होती है शनि, राहु और केतु, ये तीन ग्रह ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा अशुभ फल देते हैं, मतलब कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अनएक्सपेक्टेड घर में परेशानी आना शुरू हो जाती है। आपने सोचा नहीं होगा कि यहां से मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, वहां से आपकी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति आपके फेवर में काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो मैं रेमेडी बता रहा हूं, इससे क्या होगा कि राहु बैलेंस हो जाएंगे, और राहु को बैलेंस करना मतलब कि अनएक्सपेक्टेड पैसा, अनएक्सपेक्टेड सफलताएं लाइफ में अपने आप आमंत्रण देना, मतलब कि अचानक से आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी, पैसा आएगा। राहु का काम दोस्तों मैंने काफी वीडियो में बताया है कि अनएक्सपेक्टेड एक टॉप से बॉटम में लाना और बॉटम से टॉप में पहुंचाना, ये राहु का काम होता है। मतलब राहु ग्रह इतनी पावर रखते हैं कि एक इंसान का ऐसा कौन सा काम बना दें कि रातों रात उसको करोड़पति बना दें, और ऐसा कौन सा काम बिगाड़ दें कि रातों रात उसको करोड़पति बना दें। तो ये प्रयोग दोस्तों कम से कम आपको 5 बुधवार आपको कंटिन्यू करना है। कोई भी उपाय करते हैं तो ये मत सोचिए कि आज हम करेंगे कल हम इसका रिजल्ट मिल जाएगा, आज हमने बीज बोया और कल ये वृक्ष बन के फल देने लगे, है ना। तो ये नहीं होता, प्रकृति अपने नियम पर, अपने समय पर कार्य करती है, अपने रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके प्रकृति काम करती है। आपके सोचने से नहीं कि मैं आज काम करूंगा, आज रेमेडी करूंगा और कल मेरे को रिजल्ट मिल जाए, ये बिल्कुल मत सोचिए। और इसको प्रयोग को दोस्तों बुधवार के दिन में करना है। बुधवार के दिन में आपको कैसे करना है, बड़ी इलायची से। बड़ी इलायची जो होती है मसाले वाली, ठीक है, ब्राउन कलर की होती है, ये 4 इलायची आपको लेनी है। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास दिन के कुछ खास एंजल्स नंबर, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, मनोकामना पूर्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, धन प्राप्ति के उपाय, वशीकरण के उपाय, शत्रु बाधा से मुक्ति के उपाय, ऐसे एपिसोड बनाता हूं। कोई खास जानकारी जो आपके काम की हो आपसे मिस ना हो, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। तो कोई भी खास जानकारी से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त होगी और आप उसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और दोस्तों यदि अपने बर्थ चार्ट, काफी लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि बर्थ चार्ट यदि अनबैलेंस होता है या बर्थ चार्ट में कोई प्लैनेट अनबैलेंस होता है तो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा लगी रहती हैं। जब तक आप उस प्लैनेट को बैलेंस नहीं करेंगे कोई भी रेमेडीज वर्क नहीं करती हैं। और यदि आप ये अपने राहु की, राहु दशा को शांत करने के लिए यदि मुझसे पूजा करवाना चाहते हैं तो इसका परिवर्तन आपको 18 दिन में साफ साफ दिखाई देने लगेगा। राहु का जो जाप है दोस्तों, आपको यदि कोई भी राहु का पूजा करवानी है तो शावर मंत्र के द्वारा राहु को बैलेंस किया जाता है। आपको यदि किसी भी प्रकार की राहु से संबंधित परेशानी है और उनको बैलेंस करवाना चाहते हैं, राहु की कोई भी पूजा करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिसका पूजा का परिवर्तन आपको 18 दिन में साफ साफ दिखाई देगा। और इसके अलावा किसी और भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की समस्या है, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं या फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, या उसके अलावा चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर है, छोटी सी माइनर फीस है, आप फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपकी हेल्प की जाएगी। तो दोस्तों देखिए आपको क्या करना है, बुधवार के दिन में सुबह में 4 बड़ी इलायची आपको ले लेनी है और इस इलायची को आपको पानी में डाल देना है, कम से कम 1 लीटर पानी लें और इसको बॉइल करते हुए 0.5 लीटर पानी हो जाए, इतना आपको कर लेना है। अब इस पानी में से इलायची को निकालें, इलायची को कहीं ऐसी जगह डालें जहां पे किसी का पैर ना पड़े और पानी को नहाने वाले पानी में ऐड कर लें और मन ही मन आपको जाप करना है ओम रांग राहवे नमः नहाते समय। यह हर बुधवार आप करेंगे, 5 बुधवार यदि आपने कंटिन्यू कर लिया तो आपको इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। अब दूसरा आपको क्या करना है, 4 बड़ी इलायची आपको लेनी है, ठीक है, अपने पूजा स्थान में नहा करके बैठ जाएं। दोस्तों देखिए सात्विक प्रयोग है, नॉनवेज ड्रिंक अल्कोहल नहीं लेंगे जब भी प्रयोग करेंगे, महिलाएं अशुद्धि वाले दिन में नहीं करेंगी। उसके बाद पूजा स्थान में बैठे, घी का दिया जलाएं, पश्चिम दिशा की तरफ मुख रखें, 4 इलायची को सीधे हाथ में रखें, ओम रांग राहवे नमः 44 टाइम्स इस मंत्र का जाप करें, इसको अपने जेब में डालें,
दिन भर आपको अपने इसको जेब में डले रहने देना है, ठीक है। बुधवार की शाम को जब सूरज ढल जाता है तो अपने घर की नैऋत्य दिशा में यानी कि दक्षिण पश्चिम का जो कॉर्नर है वहां पर आपको गाय के गोबर का किंडा आपको जलाना है। जब किंडे से पूरा धुआं निकल जाता है, सिर्फ अग्नि बचती है, तो आपको इस इलायची को फोड़ते हुए इसके दाने जो होंगे उस अग्नि में आपको डाल देना है। उसका धुआं जो होगा पूरे घर में फैलने दीजिए उसको। बुधवार बुधवार की क्रिया आप करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों आप देखेंगे अनएक्सपेक्टेड, आपने सोचा नहीं होगा कि यहां से पैसा आ सकता है, यहां से आ सकता है, चारों तरफ से पैसा आना शुरू हो जाएगा। हर जगह आपको लाइफ में सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी। राहु अगर आपके स्ट्रांग हो गए तो आपको समझ लीजिए कि सफलताओं के दरवाजे खुलने से कोई भी नहीं रोक सकता। अमीर बनने से, करोड़पति बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता अगर आपने राहु को बैलेंस कर लिया। और यदि राहु की किसी भी प्रकार की विधि मुझसे करवाना चाहते हैं, शावर मंत्रों के द्वारा उनकी पूजा की जाती है, अनुष्ठान कराना चाहते हैं, तो मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो, नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और जानकारी दोस्तों काफी अच्छी थी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली ये जरूर लिखें। इससे माता रानी की दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी, साथ में मैं यहां से आप लोगों को ब्लेसिंग दे सकता हूं। और जितनी हो सके जानकारी को शेयर करिए, आपके एक शेयर से और लोग भी जानकारी का बेनिफिट ले पाएंगे, तो शेयर जरूर करें। और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 100% आपकी हेल्प की जाएगी, आपकी मदद की जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा जय श्री काली।